क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन का यूनिट नंबर 9 वेव्स के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू है ऑन डबल द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव द एनर्जी इंक्रीज बाय। तो एनर्जी जो इंक्रीज, बेसिकली कह रहा है कि जो अगर एम्पलीट्यूड दो टाइम इंक्रीज होता है तो एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। तो एनर्जी का जो रिलेशन है आपस में कितना है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। अगर एम्पलीट्यूड दो गुना इंक्रीज होता है तो एनर्जी चार गुना हो जाएगी, तो चार जूल। तो इसका हम कह सकते हैं कि भाई जो एनर्जी कितना इंक्रीज होगी वो होगी चार गुना। इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 है, टू वेव ईच एम्पलीट्यूड 0.5 मीटर आर सुपर इम्पोज्ड विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सच एज दे आर इन फेज, व्हाट इज द रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड। तो सुपर इम्पोज में होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव आपस में एड हो जाती है। तो दो वेव्स है तो इसका एम्पलीट्यूड है 0.5, तो दो वेव है 0.5 0.5, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाता है एड हो जाता है, तो कितना हो जाता है 1 मीटर लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। 3 है, व्हाट हैपन व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफर बाय मोर देन 10 हर्ट्स ईच साइमल्टेनियसली। तो कह रहा है कि दो वेव्स है जिनका जो बीट डिफरेंस कितना है 10 से ज़्यादा है, और के बीट थर्ड का जो होगा डी होगा बीट प्रोड्यूस बट कैन नॉट हेयर बाय ह्यूमन, क्योंकि बीट सब प्रोड्यूस होगी लेकिन 10 हर्ट्स जो है हमारी इंफ्रासोनिक है, इंफ्रासोनिक जो है हमारी जो लिसनिंग जो ऑडिबिलिटी रेंज के अंदर नहीं होता तो हम सुन नहीं सकते, तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 4, अ कार हैज अ टू हॉर्न, वन एमिटिंग फ्रीक्वेंसी 199 हर्ट्स एंड अदर इज एमिटिंग फ्रीक्वेंसी 203 हर्ट्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस टू प्रोड्यूस। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी 199 है दूसरी, तो जैसे डिफरेंस किस तरह से मालूम कर सकते करते हैं कि 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस कितना हो जाता है 4 हर्ट्स। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज हायर हार्मोनिक ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 150। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हायर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है जिसका जो है फंडामेंटल कितना है 150 आ रहा है, जिनका डिफाइल में कह रहा है कि जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना है 150, तो दो फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, तो दो फ्रीक्वेंसी अगर हम 600 माइनस 300 रखें तो इनका डिफरेंस जो होता है वो कितना हो जाता है 300, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 150। तो इनका यानी दो फ्रीक्वेंसी F1 और F2 कितनी होगी 600 माइनस 300, यानी एक 600 हर्ट्ज़ की होगी दूसरी 300 हर्ट्ज़ की होगी। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ थर्ड हार्मोनिक एन इज इक्वल टू 3 ऑफ अ स्टैंडिंग वेव इस्टेब्लिश्ड ऑन द स्ट्रिंग ऑफ 3 मीटर फिक्स्ड ऑन बोथ एंड। तो यहाँ पे इनका थर्ड हार्मोनिक मिला हुआ नंबर और वेवलेंथ हमें कितनी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी मिली हुई है 3 मीटर। तो इसको करने के लिए जो फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 2L अपॉन n, l की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 2, तो इनको हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे l की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू कितनी है 3, तो इनको सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से 2 3 6 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मीटर वेवलेंथ। तो इसका ऑप्शन यानी सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 7, अ नोड इज अ पॉइंट लोकेटेड अलोंग द मीडियम वेयर देयर इज ऑलवेज। तो नोड के पॉइंट पे जो क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 8 है, व्हिच फेनोमेना इज प्रोड्यूस व्हेन टू आर मोर देन टू वेव्स पासिंग साइमल्टेनियसली थ्रू द सेम मीडियम मीटअप विद अनदर। तो ये कौन सा पीडियम होता है कि दो वेव्स जो है आपस में जो है जो कंबाइन हो जाए एक ही मीडियम के अंदर, तो होता है इसका इंटरफेरेंस होता है, इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 9, आर स्टैंडिंग वेव इज फॉर्मड बाय वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी से 256 हर्ट्ज, द स्पीड ऑफ अ वेव इज 128 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन द नोड मस्ट बी। तो डिस्टेंस हमें मालूम करना है यकीन नोड के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी इतनी मिली हुई है, वेलोसिटी इतनी मिली हुई है, तो हमें मालूम क्या करना है, वेवलेंथ मालूम करनी है नोड पे। तो बेसिकली जो फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई एफ, तो यहाँ पे लैम्डा मालूम करनी है तो कुछ इस तरह से, और जेनेशन करना जो नोड पे वेवलेंथ कितनी होती है, हाफ वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का हाफ होता है, तो वेवलेंथ कितनी हो गई 1/2। यहाँ से वेवलेंथ मालूम करनी है तो फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई एफ। तो वी की वैल्यू कितनी मिली है 128 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है 256। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो वेवलेंथ हमारी कितनी हो जाती है 1 मीटर, इसका ऑप्शन जो है बी इज। नंबर 10, इन अ ईयर कॉलम दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टर्निंग फॉर्क इज 329.6 हर्ट्ज़, द लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट ईयर कॉलम प्रोड्यूस्ड बाय रेजोनेंट इज
25.0 सेंटीमीटर द स्पीड ऑफ साउंड मस्ट बी। तो यहाँ से मैं स्पीड जो है क्लोज पाइप है, तो क्लोज पाइप के लिए जो फार्मूला होता है वेवलेंथ मालूम करने के लिए 4L/N, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है n इज इक्वल टू 1 है और वेवलेंथ लेंथ हमें कितनी मिली हुई है, वो मिली है 0.25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर के अंदर 0.25। फ्रीक्वेंसी हमारे मिली हुई है कितनी है, 329.6 हर्ट्ज़। और वेवलेंथ हमें कितनी मिली हुई है, 4। और वेवलेंथ हमें मालूम करनी है तो इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे 4 सेम का सेम, वेवलेंथ लेंथ कितनी मिली होगा डिवाइडेड बाय 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। तो यहाँ से कह रहा है कि स्पीड हमें मालूम करनी है कि कितनी होगी, वेवलेंथ भी हमने मालूम की, फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिली हुई है, इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे 1 मल्टीप्लाई इसको, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी स्पीड, 329.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिला हुआ, तो इसके अप्रोक्सीमेट जो आंसर कौन सा है, इसके अप्रोक्सीमेट जो आंसर है वो हम टिक कर सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 11, द इंटेंसिटी ऑफ अ बीम ऑब्जर्व थ्रू द पोलराइज। तो बीम ऑब्जर्व के थ्रू तो जो इंटेंसिटी पोलराइजर ऑब्जर्व करें, इंटेंसिटी क्या होगी पोलराइजर के थ्रू हम ऑब्जर्व करें, तो इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का यूनिट नंबर 9 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है कि अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी 1.5×10^2 W/m इज प्रोड्यूस बाय रेक्टेंगुलर हेड ऑफ अ मेडिकल इमेज डिवाइस मेजरिंग 3×5 cm, व्हाट इज इट्स पावर आउटपुट। तो हमें यहाँ से पावर आउटपुट मालूम करना है। डेटा लिखें तो इंटेंसिटी हमारे पास मिली हुई थी 1.5×10^2, 10^2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 150 W/m। और हमारे पास यहाँ पे एरिया मिली हुई है, ठीक है, एरिया की एक लेंथ की 3 सेंटीमीटर, उसके बाद दूसरी जो मिली हुई है 5 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.3 और 0.5 हो जाएगा, ठीक है। मालूम क्या करना है हमें पावर, तो पावर के लिए फार्मूला है पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो यहाँ से सबसे पहले एरिया को मालूम करेंगे, तो ये दो साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एरिया मिल जाएगी। तो एरिया के लिए दो साइडें हमारे पास मिली हुई थी, उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एरिया मिल गई। इसी फार्मूले में पुट करेंगे इंटेंसिटी ये मिली हुई है, एरिया ये मिली हुई है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर मिल जाएगा 150 multiplied by 0.0015। तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.225, ठीक है, वाटर से कैंसिल, इसका जवाब कितना आ गया हमारे पास पावर, वो आ गया 0.225 वाट। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेता क्वेश्चन नंबर 1, उसके डेटा के बाद रुका है, फार्मूला सॉल्यूशन के आगे रिजल्ट। नंबर 2 सॉल्व करते हैं, अ टर्निंग फोर्क ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज एंड 330 हर्ट्ज आर साउंड टुगेदर, हाउ मेनी बीट्स विल बी हियर ओवर द पीरियड ऑफ 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ में हमें नंबर बीट्स मालूम करने के 10। नंबर 2 की डेटा लिखें तो फ्रीक्वेंसी 1 मिली हुई है 440 और फ्रीक्वेंसी 2 मिली हुई है 337 हर्ट्ज, और टाइम में कितना मिला हुआ है, ड्यूरेशन वो मिली हुई है 10 सेकेंड। हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ बीट्स, तो नंबर ऑफ बीट्स के लिए फार्मूला है कि फ्रीक्वेंसी बीट्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फ्रीक्वेंसी बीट्स क्या है कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, के दोनों फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंस कितना है वो हमें मालूम करना है। तो ये बीट्स हमें हमारे यहाँ टाइम तो मिला हुआ है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस नहीं मिला हुआ, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को मालूम करने के लिए फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या है कि फ्रीक्वेंसी 1 में से फ्रीक्वेंसी 2 माइनस कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी 1 है 440 माइनस 337, तो इनमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ बीट्स मालूम करना है, तो इसे इसके अंदर पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बीट्स का डिफरेंस कितना है, 3 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 10। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो उसके लिए फार्मूला है 3 × 10। तो टाइम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है, 3 टाइम कितना मिला है, 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ बीट्स कितने मिल जाएंगे, 30, ठीक है, बीट्स कितने मिल जाएंगे, 30 बीट्स मिल जाएंगे। तो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसकी डेटा रुका है, फार्मूला सॉल्यूशन क्या, सॉल्व करने के बाद ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। 3 सॉल्व करते हैं, सपोज दैट द स्ट्रिंग इज 1.2 मीटर लॉन्ग एंड वाइब्रेट्स इन अ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हार्मोनिक स्टेडिंग वेव पैटर्न, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ अ वेव ऑफ ईच ऑफ द 3 पैटर्न। हमें तीनों पैटर्न की वेवलेंथ मालूम करनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हार्मोनिक दिए थे, लेंथ कितनी मिली हुई है, मिली हुई है 1.2 मीटर, जबकि हार्मोन नंबर ऑफ हार्मोन के कितने मिले हुए मीटर, जबकि नंबर ऑफ हार्मोनिक कितने मिले हुए N1, N2, N3, ठीक है। तीनों हार्मोन के हमें वेवलेंथ हमें मालूम करनी है, फार्मूला क्या लगेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2L/2
टू एल अपन एन, ठीक है। तो ये फार्मूला लगेगा यहाँ से वेवलेंथ मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम नंबर एन के लिए नंबर वेवलेंथ मालूम करते हैं। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू एल, टू सेम का सेम, एल की वैल्यू कितनी है डेटा के अंदर 1.2 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 से, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, तो आ जाता है हमारे पास 2.42 को मल्टीप्लाई करें 1 से 2, और 2 को मल्टीप्लाई करें 2 और 2.4 मीटर। अब हम क्या करते हैं, फार एन इज इक्वल टू 2, अब वेवलेंथ का क्या है 2, इसी फार्मूले के अंदर 2 पुट कर देंगे, एल की वैल्यू 1.2 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वेवलेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.2 मीटर। जब एन इज इक्वल टू 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 1.2 मीटर। अब एन इज इक्वल टू 3 है, वहाँ पर वेवलेंथ मालूम करनी है, 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई बाय एल 1.2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई 2 से इसका मल्टीप्लाई करें तो 2.4 डिवाइडेड बाय 3, तो 2.08 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट एन इजिकल टू 3 के लिए, ये आ गया एन इजिकल टू 2 के लिए रिजल्ट, और ये आ गई हमारे पास एन इजिकल टू 1 हार्मोनिक के लिए वेवलेंथ। तो हम रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 उसकी, ये होता क्वेश्चन नंबर 3 उसकी डेटा, डेटा का रुका फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 4 सॉल्व करते हैं, द स्ट्रिंग इज 6 मीटर लॉन्ग एंड वाइब्रेटिंग एट द थर्ड एंड, थर्ड हार्मोनिक द स्ट्रिंग वाइब्रेट अप एंड डाउन विथ 45 कंप्लीट वाइब्रेशन सेकेंड इन अ साइकल्स इन अ 10 सेकेंड, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ अ वेव। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें सारी मालूम करनी है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड और उनकी डेटा लिखे। तो हमारे पास लेंथ कितनी मिली हुई है स्ट्रिंग के, वो 6 मीटर, जबकि हार्मोनिक कितने मिले हुए एन इजिकल टू 3, और साइकल्स कितने मिले हुए, साइकल्स मिले हुए 45 साइकल्स पर सेकेंड और पर 10 सेकेंड, ठीक है। तो 45 साइकल्स कितने का मिनट का, कितने सेकेंड में कवर करता है, 10 सेकेंड में। मालूम क्या करना है हमें, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड, ठीक है, स्पीड और वेवलेंथ मालूम करनी है। तो फार्मूला क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ साइकल्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसको डिवाइड करेंगे, और टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी। तो इन्हीं फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सॉल्व करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, नंबर ऑफ साइकल्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम हमारे पास 10 और नंबर साइकिल कितने मिले हुए 45, तो 10 को 45 से डिवाइड, 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 4.5 हर्ट्ज। उसके बाद जो है टाइम पीरियड के लिए होता है कि इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये मिली हुई है, इसको इन्वर्स कर देंगे, तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 4.5, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है, टाइम पीरियड कितना आ जाता है 2.22 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद जो है वेवलेंथ मालूम करने के लिए फार्मूला होता है 2L/N, ठीक है, तो 2L/N, तो यहाँ पे हमें एन की कितना नंबर हार्मोनिक कितना मिला हुआ है 3 डेटा के अंदर, एल की वैल्यू हमारे पास 6 मिली हुई है, तो इनको सिंप्लीफाई करें हमारे पास कितना आ जाता है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाता है 4 मीटर। और हमारे पास जो है स्पीड मालूम करने के लिए फार्मूला वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ अभी हमने मालूम किया है, फ्रीक्वेंसी अभी हमने मालूम किया है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है 4 × 4.5, तो हमारे पास कितना आ जाता है 18, तो स्पीड कितनी आ जाती है 18 मीटर पर सेकेंड। तो रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 4 उसकी डेटा, रुका फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गई चारों की रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, इन ईयर कॉलम क्लोज्ड एट द वन एंड राइज ऑन एट द सेकेंड मैक्सिमम आर सेकेंड राइज ऑन एट लेंथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 1024 हर्ट्स, द ईयर टेम्परेचर इज 18.6 सेंटीग्रेड। तो हमें जितना मिला हुआ है उसके बाद मालूम क्या करना है, ड्रा द डायग्राम ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेव पैटर्न इनसाइड द कॉलम। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट के अंदर स्पीड ऑफ साउंड, थर्ड पार्ट के अंदर वेवलेंथ, फोर्थ पार्ट के अंदर हमें जो मालूम करना है लेंथ ऑफ अ क्लोज पाइप, ठीक है। तो हमें टोटल ये चीज़ें मालूम करनी है। जबकि हम डेटा लिखे तो डेटा के अंदर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, टेम्परेचर मिला हुआ, और हमें ये बताया गया है कि क्लोज पाइप का सेकेंड राइज होना है, ठीक है। तो क्लोज पाइप का सेकेंड एंड इसलिए मेंशन किया है क्योंकि क्लोज पाइप के लिए हमें अलग अलग है, सबसे पहले हम ए पार्ट के अंदर डायग्राम बनाना है, बी पार्ट के अंदर वेव फ्रीक्वेंसी, बी पार्ट के अंदर वेलोसिटी मालूम करना है, सी पार्ट के अंदर वेवलेंथ, और डी पार्ट के अंदर हमें जो पाइप की लेंथ मालूम करनी है। तो सबसे पहले अगर हम तो फ्रीक्वेंसी अगर वेवलेंथ पैटर्न डायग्राम करें तो कुछ इस तरह से बनेगा कि वेवलेंथ कितनी बनेगी 1.5 वेवलेंथ बनेगी फॉर सेकेंड राइज ऑन एंड। अच्छा 1.5 कैसे हमें पता चला, तो आगे चलकर इसको प्रूव करेंगे, इसको डायग्राम को बाद में डिफाइन करेंगे।
तो सबसे पहले हम अगर हम जो है वेलोसिटी मालूम करें, तो वेलोसिटी मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है जनरल शॉर्टकट का, वो होता है 331 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। तो इसी फार्मूले से हम जो है सोल्व करके वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। आगे दूसरा भी फार्मूला है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये एक सिंपल मेथड है। तो 33 ईयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 331 होता है प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय जो टेम्परेचर हमारे डेटा के अंदर मिला हुआ है, ठीक है। तो इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाता है, इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से टेम्परेचर कितना आ जाता है कि 331 प्लस मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 18.6, ठीक है। अच्छा ये जहन नशीन कर लेना, इसी फार्मूले के अंदर जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड में ही रखना पड़ेगा। ये एक सिंपल मेथड है जिससे जिसके ज़रिए अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी चेंज होगी उससे हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा फार्मूला है उसके अंदर जो टेम्परेचर हमें केल्विन स्केल में रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो है सेंटीग्रेड में, ये जहन नशीन कर लेना। तो इनको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो कितना आ जाता है 342.6, ठीक है। बात करने आ गई कि 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आ गया। अब हमें मालूम क्या करना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए फार्मूला आता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास डेटा के अंदर मिली हुई है, वेलोसिटी जो अभी हमने मालूम की, तो इनको आपस में डिवाइड करके कर देंगे तो हमारे पास वेवलेंथ मालूम हो जाएगी। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी क्या कर लेते हैं, 343 डिवाइडेड बाय 1024 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी आ जाती है, 0.33। तो वेवलेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 0.33 मीटर पाइप की। तो लेंथ मालूम करने के लिए पाइप के लिए जो क्लोज पाइप के लिए होता है जेनरेशन करने के लिए ना, वो फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू 4L/N होता है, ठीक है। क्लोज पाइप के लिए, ओपन के लिए होता है 2L/N होता है। और जेनरेशन कर लेना, जबकि जो होता है जो ओपन पाइप होता है उसके लिए, यानी दोनों एंड ओपन हो उनके लिए जो फार्मूला होता है 2L/N, और N होता है 1, 2, 3, 4। लेकिन जबकि एक एंड क्लोज हो तो उसके लिए फार्मूला होता है 4L/N, और उसके लिए जो नंबर ऑफ हार्मोनिक जो स्टार्ट होते हैं वो 8 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7, इस तरह से 8 नंबर के तरह होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बुक के अंदर मालूम करना है कि सेकंड राइज रन का, तो सेकंड राइज रन पे कितने नंबर एन हो गए, एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो इसी फार्मूले में पुट करके एल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, वेवलेंथ अभी हमने मालूम की है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें एल की वैल्यू के लिए, तो ये इधर डिवाइड करा इधर मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से फार्मूला हो जाएगा। एन की वैल्यू अभी हमने मालूम की कितनी है, 3, और वेवलेंथ अभी हमने मालूम किया कितनी है, 3.35, और डिवाइडेड बाय जो ए 4 फार्मूले का, ठीक है। तो इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करके आ गए 3 मल्टीप्लाई बाय 0.335, ठीक है, डिवाइडेड बाय कर देंगे 4 से, तो हमारे पास जवाब कितना आ जाता है, 0.25। तो वेवलेंथ कितनी और लेंथ कितनी आ गई पाइप की, 0.25, ठीक है। वेवलेंथ आई है 0.33, और जबकि जो लेंथ आई है पाइप की वो आई है 0.25। अब हमने जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो लिखा है 1.5 वेवलेंथ आएगी, यानी एक पूरी वेव, और दूसरी जो आएगी हाफ वेवलेंथ आएगी और सेकंड रेजोनेंट के लिए जो डायग्राम हमने बनाया है वो इसी डेटा को यूज़ करके हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ की कितनी आ रही है हमारे पास, 0.33, जबकि पाइप की टोटल लेंथ कितनी है, 0.25, जो अभी हमने मालूम की है। यहाँ से नंबर ऑफ वेवलेंथ हम मालूम, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेवलेंथ हम मालूम कर सकते हैं। क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वेवलेंथ मालूम करने के लिए डायग्राम के लिए हमें कितनी वेवलेंथ हम यहाँ बनाएं, तो उसके लिए होता है फॉर्मूला एन इज इक्वल टू क्या होता है कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय जो लेंथ पाइप की, ठीक है। तो वेवलेंथ अभी हमने मालूम किया वो कितनी है, 3.33 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, लेंथ कितनी मिली हुई पाइप की, वो मिली हुई है 0.25। तो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी बनेगी पाइप के अंदर, उसके लिए फार्मूला, ठीक है, जो फर्स्ट डायग्राम के अंदर मैंने बनाया। तो इनको अगर हम सिंपलीफाई करें यहाँ पे 0.33 डिवाइडेड बाय 2.5, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 1.3, ठीक है। तो 1.3 मतलब 1.5 मतलब जो वेवलेंथ टोटल बनेगी, वेवलेंथ जो टोटल बनेगी अप्रॉक्सीमेट जो बनेगी 1.5 वेवलेंथ बनेगी, ठीक है, यानी एक फुल वेव दूसरी हाफ वेव। तो ऐसे ही हमने डायग्राम के अंदर क्या किया, ये पाइप है क्लोज, वन एंड क्लोज है, जिसके उसके अंदर जो है स्टेडिंग वेव कुछ इस तरह से बना दी, ये एक वेव उसका जो है हाफ, तो 1.5 वेवलेंथ बनेगी फॉर सेकंड रेजोनेंट जो अभी हमने मालूम किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, उसके डेटा रुकाया फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 6 सॉल्व करते हैं, सपोज अ ट्रेन दैट हैज़ अ 150 हर्ट्ज हॉर्न इन मूविंग विद द 35 मीटर पर सेकेंड इज इन अ स्टिल ईयर ऑन अ डे, इन स्टिल ईयर ऑन अ डे व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी आर ऑब्जर्व बाय स्टेशनरी पर्सन एट द साइड ऑफ अ ट्रैक।
तो ये सबसे पहले हमें ये पार्ट के अंदर ट्रेन की जो है, ट्रेन जब अप्रोच कर रही हो तब हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, जब ट्रेन पास हो जाए उसके बाद फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, जब हमें जो ट्रेन के ऊपर पैसेंजर है तब हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो ये चीज़ें हमें मालूम, इसकी डेटा लिखे सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी हॉर्न की कितनी मिली हुई है 150 हर्ट्ज़, और स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स यानी जो ट्रेन की खुद की स्पीड कितनी है 350 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ सोर्स है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड जो मिली हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वेबल यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट क्या है उसका मतलब ये है वी नॉट जो है ज़ीरो होगा। तो मालूम हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जब फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, लेकिन जब तब जब ट्रेन पर ऑब्जर्वेबल करे जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके अप्रोच आ रही है, उसके करीब आ रही है, उसके बाद क्या करें उसके पास हो जाए फिर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, फिर उसके बाद जो है ट्रेन के ऊपर जो इंजीनियर बैठा है उसकी हमें वो कितनी फ्रीक्वेंसी लिसन कर गया उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं पार्ट ए को, एज ट्रेन अप्रोच। तो एज ट्रेन अप्रोच के लिए फार्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं, उसके लिए होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओवर स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर बाय क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है हॉर्न की फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है 150 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ साउंड फॉर 340 माइनस प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है जीरो, वो पुट कर दिया मैं डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे स्पीड ऑफ साउंड माइनस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। तो इनको आपस में सिंप्लीफाई करें, इनको प्लस करें और इसको माइनस करें, तो हमारे पास कितना आ जाता है 150 मल्टीप्लाई बाय 440 डिवाइडेड बाय 305 के फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आएगी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी जब वो अप्रोच करे या ट्रेन। तो उसके लिए क्या करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 340 और डिवाइड बाय कर देंगे कितना 305 से। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाता है 167 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी कितनी ऑब्जर्व करेगा 167 हर्ट्ज़ करेगा। अब हमें मालूम करना है कि ट्रेन पास हो जाए तब फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, आफ्टर ट्रेन पास फ्रीक्वेंसी एफ मालूम करना है। तो उसके लिए डॉपलर इफेक्ट के थ्रू हमें फार्मूला है कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ सोर्स। तो इसी से हमने स्पीड ऑफ हॉर्न की फ्रीक्वेंसी हॉर्न कितनी मिली हुई है, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास मिली हुई है स्पीड ऑफ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ सोर्स। तो इनको सिंप्लीफाई करें हमारे पास इतना आ जाता है। तो इनको हम फिर से कैलकुलेटर पे सोल्व करें कि कितना आ जाता है 150 मल्टीप्लाई बाय 340, ठीक है, डिवाइडेड बाय कर देंगे कितना 375। तो हमारे पास कितना आ जाता है 136 फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 136 हर्ट्ज़। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई कि जब ट्रेन अप्रोच कर रही है तो फ्रीक्वेंसी कितनी ऑब्जर्व करेगा 167, जब ट्रेन पास हो जाए तो कितनी वो करेगा 136 हर्ट्ज़, और जबकि हमें जो है इंजीनियर फ्रीक्वेंसी जो है ज़ीरो करेगा। ठीक है, जो फ़र्क होगा वो करेगा उसके लिए हो जाए ज़ीरो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इंजीनियर ट्रेन पे है तो हॉर्न भी ट्रेन पे ही बज रहा है, तो दोनों की स्पीड दोनों के हिसाब से रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन के लिए जो है एमिटिव फोर्स सेम करेगी जो हॉर्न के लिए होगी। तो सी पार्ट के लिए कुछ इस तरह से रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। उसकी डेटा के बाद रुका फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। नंबर 7 सॉल्व करते हैं, पोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पासिंग थ्रू द अनदर पोलराइजर हुज एक्सिस इज मेक एंगल 60 एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ अ पोलराइज्ड फिल्टर, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रांसमिटेड पोलराइजेशन लाइट फ्रॉम सेकेंड पोलराइज फिल्टर। ठीक है, तो ये डेटा लिखे तो सबसे पहले हमारे पास थीटा जो है 60 डिग्री मिला हुआ है, मालूम क्या करना इंटेंसिटी। तो फार्मूला क्या लगेगा मौजूदा का कि चेंज इन इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इनिशियल जो है कह रहा है कि इंटेंसिटी वी नॉट है, यानी इनिशियल इतना ही है, मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा की वैल्यू कितनी हुई है 60। तो हमारे पास क्या कर लेंगे कोस स्क्वायर थीटा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सॉल्व किया था कि अगर कोस पे स्क्वायर है थीटा पे नहीं तो ये उसका मतलब है कि होल पे स्क्वायर है। तो कोस 60 बराबर होता है 1.2 के, तो 1.2 का अगर स्क्वायर निकालें तो हमारे पास हो जाता है 1.4। तो हमारे पास चेंज इन इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी टाइम के हिसाब के, वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी का चौथा हिस्सा। तो हो जाएगा हम क्या कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का चौथा हिस्सा 1.4। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, या था क्वेश्चन नंबर 7 उसकी डेटा रुकायर फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट।